मित्रों हवे आपणे आगळ वधीए बीजा चेप्टर में माहितीनुं निरूपण में नो भाग लईए कोष्टक रचना एमां पहेलो मुद्दो छे गुणात्मक माहितीनुं वर्गीकरण। तो गुणात्मक माहितीना अवलोकनोने वर्गीकरणना निर्धारित धोरणो अनुसार हार अने स्तंभमां गोठवानी पद्धतिने गुणात्मक माहितीनुं वर्गीकरण कहे छे। सिम्पल गुणात्मक माहितीना जे अवलोकनो छे बराबर छे એને વર્ગીકરણના નિયમો અનુસાર હારમાં આડી અને સ્તંભ ઉભા બરાબર છે એ રીતે જો ગોઠવવામાં આવે તો એને ગુણાત્મક માહિતીનું વર્ગીકરણ કહે છે અને આ ગુણાત્મક માહિતીને અવર્ગીકૃત માહિતીને સંક્ષિપ્તમાં એટલે કે ટૂંકમાં અને આકર્ષક રીતે રજૂ કરવા ગુણાત્મક માહિતીનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે અને તેને જ સામાન્ય રીતે કોષ્ટક રચના દ્વારા પણ ઓળખવામાં આવે છે। सामान्य रीते आ वर्गीकरण बे प्रकार छे एक साधु वर्गीकरण अने बे बहुविध कोष्टक। चलो हवे पहेलुं लईए साधु वर्गीकरण। आ प्रकारना वर्गीकरणनी रचनामां अंडरलाइन करजो माहितीना एक ज गुणधर्मने ध्यानमां राखवामां आवे छे माहितीना मात्र एक ज गुणधर्मने ध्यानमां राखवामां आवे छे। दाखला तरीके कोई एक बैंकना कर्मचारीओने तेमना होद्दा अनुसार मैनेजर क्लार्क पट्टावाड़ा सिक्योरिटी वगैरह में विभाजित कर सकते बराबर है। तो एक गुणधर्म थोड़ा कर्मचारी होद्दो हमें लगत एक उदाहरण जो अमदावाद जिला कोई एक सहकारी बैंक विविध शाखा में कर्मचारी अभ्यास करता आ मुजबनी महिती मी बैंक में कुल 20 सिक्योरिटी कर्मचारी 30 पट्टावाड़ा 40 क्लार्क और 8 मैनेजर था। आ माहितीना वर्गीकरण ने कोष्टक में दर्शाओ। तो आपेली माहिती में कर्मचारी नौकरी दरज्जो के होद्दो है गुण लक्षण है। आ माहिती ने कोष्टक में दर्शाए तो सौथी पहला कोष्टक नु शीर्षक फरजियात है। शीर्षक आ प्रमाण थशे अमदावाद जिला सहकारी बैंक विविध शाखा कर्मचारी दरज्जो के होद्दो दर्शात कोष्टक। हवे एक बाजु कोष्टक में कर्मचारी दरज्जो है ये दर्शाईशु અને બાજુમાં જે તે હોદ્દા પ્રમાણે કર્મચારીઓની સંખ્યા છે એ દર્શાવીશું એટલે આપણું સાદું વર્ગીકરણ કે સાદું કોષ્ટક તૈયાર થશે। તો પહેલો દરજ્જો જે સિક્યોરિટી અને એ સંખ્યા કર્મચારીઓની છે 20 પટાવાડા 30 ક્લાર્ક 40 મેનેજર 8 અને છેલ્લે કુલ આવશે 98 એટલે કે 98। તો આ પ્રમાણે એક સાદું વર્ગીકરણ કે સાદું કોષ્ટક તૈયાર થઈ છે। હવે આપણે લઈએ કોષ્ટક રચનાનો બીજો પ્રકાર બહુવિધ કોષ્ટક। तो एनी व्याख्या जोईए माहितीना अभ्यास हेठळना एकमना एक करता वधु गुणधर्मने अंडरलाइन करजो माहितीना अभ्यास हेठळना एकमना एक करता वधु गुणधर्मने ध्यानमां राखीने ए माहितीनुं वर्गीकरण करवामां आवे छे। आ प्रकारना वर्गीकरणने बहुविध कोष्टकनी रचना कहेवामां आवे छे। एनुं एक उदाहरण जोईए कि अमदावाद जिल्लानी सहकारी बैंकनी वीर शाखाना कर्मचारीनो अभ्यास करता एम मालूम पड्युं के कर्मचारी में 20 सिक्योरिटी कर्मचारी था 6 स्त्री कर्मचारी तो बाकी पुरुष कर्मचारी समझवा त्या भाई 30 पट्टावाड़ा में 10 स्त्रीओ थी बराबर है बाकी पुरुष कर्मचारी समझवा जयरे 40 क्लार्क में 25 स्त्रीओ थी ओके तो बाकी पुरुष कर्मचारी 8 मैनेजरो में 3 स्त्रीओ थी तो बाकी पुरुष मैनेजरो आवशे राइट। आ माहिती योग्य कोष्टक द्वारा रजू करो। तो आपेल माहिती में बे गुणधर्म है एक तो आप जूनू ने जाने तो कर्मचारी दरज्जो के होद्दो और बीजो अहीं पुरुष और स्त्री आपेला है जेने आपणे कर्मचारी जात तरीके ओळखीशुं। एने आधार आपेली माहितीनुं वर्गीकरण नीचे प्रमाणे करी शकाय। तो एनुं शीर्षक आवशे उपरनी माफक ज अमदावाद जिल्लानी सहकारी बैंकनी विविध शाखाओमां कर्मचारीओनो दरज्जो जातिवार दर्शावतुं कोष्टक एटले बे गुणधर्म तमारा आवी गया। तो हवे कोष्टक रचनानी अंदर जे मुख्य मुद्दा लेवाना छे ते आ प्रमाणे आवशे अथवा गुण लक्षण एक तो कर्मचारीनो दरज्जो एने आपणे ऊभा स्तंभमां दर्शावीशुं छेल्ले कुल्लू खानुं राखवानुं छे। जाति आवशे बाजुमां एमां बे आवशे पुरुष कर्मचारी अने स्त्री कर्मचारी अने छेल्ले पण कुल्लू खानुं आपणे राखवानुं छे। तो सिक्योरिटीमां तमने रकमनी अंदर कुल 20 कर्मचारी आपणा छे एटले कुलमां तमे जमनी साइड पर 20 लखी दीधा पण एमां 6 स्त्री कर्मचारी तमे दर्शावी तो हवे 20 मांथी 6 बाद करो
तो बाकी पुरुष अंदर चोर तमारा सिक्योरिटी कर्मचारी थी जैसे एटले पटावाड़ा एम कुल तमने 30 आपेला है कुल में 30 बटाया तब जमनी साइड पर बराबर है एम 10 स्त्री है तो स्त्री अंदर तब 10 कर्मचारी बटाया 30 में 10 बाद करिए तो बाकी 20 पुरुष कर्मचारी मरसे पटावाड़ा मरसे त्या पछी क्लार्क में कुल 40 क्लार्क है एम 25 तमे स्त्री तरीके दर्शाई तो 40 में 25 बाद करिए एटले बाकी 15 पुरुष क्लार्क गणाशे एटले मैनेजर में कुल 8 है अमारी 3 स्त्री है ये दर्शाता बाकी 5 मैनेजर ए पुरुष कर्मचारी मरसे अने उभा स्तंभनो टोटल करिए तो पुरुष कर्मचारी टोटल 54 स्त्री कर्मचारी 44 अने कुल बन्ने बाजू तमे टोटल करो तो 98 तमारा थाय छे बराबर छे अहीं जे घाटा अक्षरो में दर्शावेली किंमतो छे एनी रकम तो दाखला में आपेली छे पण ए सिवायनी जे किंमतो छे एने आपणे समझूती तमने आपी छे ए प्रमाणे सारी गणतरी थी मेळवी शकाय।